हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आई एम टोटली गौरव इज सोबर एंड टुडे आई एम ड्रंक। ऐसा रेयरली रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंसेस में होता है। मजा आया श्रेया के फेल जल्दी हो जाते हैं। दो कॉकटेल में आउट होते जल्दी, वो भी पिंग्स ओरिएंट की जो कॉकटेल होती है दैट इज द बेस्ट कॉकटेल इन दिल्ली। आई एम टेलिंग ऑलवेज ऑलवेज इट हैज हैपेंड कि मैं अगर एक भी कॉकटेल पीऊं तो जस्ट हिट्स मी एंड टुडे आई ड्रंक टू। ओके, तो आप सोच सकते हो। चलो अभी और एंड में ये लोग फॉक्स वाली टॉफी भी देते हैं, वो भी अच्छा। फॉक्स, हां ये टॉफी देते हैं व्हिच इज द बेस्ट। आज गाड़ी तेरी बहन चलाएगी। मुझे लगता है गौरव शुड जस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग, तू मेरे सर से स्ट्रेस चला जाता है। सो हैप्पी गुबी कि तूने बिल्कुल नहीं पिया। लाइक दिस इज सच अ बिग अचीवमेंट यार, मतलब आई कांट इवन, दिस इज लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर यू। उस खुशी में मैंने और दो पी ली। पर पता है मैं अब मुझे लगता है अब मुझे मन करता पीने का, पता है गुबी जब से तूने बंद किया है ना। अब मुझे लगता है कि मैं पीऊं और। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम जा रहे हैं पंडारा रोड कुल्फी और फलूदा खाने। हम आपको देते हैं होम टू, नहीं होम नहीं टूर। ओ गॉड, होम ही चल रहा है यार, कोई मेरा दिमाग खराब हो गया पता है। लोग पता क्या लगने वाले हैं, श्रेया भंड हो गई व्लॉग बनाया करो। अब ज्यादा फन हो। सुन मेरी बात, आई थिंक वी शुड डू दिस मोर ऑफन। या विल डू दिस। आप फोन तो दो ना यार मेरे को, वो मैप ऑन नहीं। आज मेरा मन कर रहा है व्लॉग बनाने का। आज मैं व्लॉग पूरा ऐसे रख ही रहूंगी। यहाँ पे एक वो लगा ले यार गाड़ी पे, जहाँ पे लगा के हम फिक्स। अभी कहा लगा रहे मैप लगाओ उधर का पंडारा यार। पिंक्स वाले को जो कॉकटेल वाला उसके हाथ चूमने का मन कर रहा है यार मेरा को भी। ठीक है यार, मतलब क्या ही बनाता है, मतलब एक कॉकटेल। देन आई वाज लाइक कि गुबी आई थिंक आई एम ऑलरेडी डाउन, एंड देन गौरव वाज लाइक ऑलरेडी डाउन नहीं है। नहीं आप व्हाटएवर। श्रेया फोन तो मेरे को मैप लगाना है यार। ओके बाय गाइस, सॉरी गुबी। आई थिंक वी शुड डू दिस मोर ऑफ। आई थिंक यू शुड जस्ट गिव अप अल्कोहल एंड लेट मी ड्रिंक, बिकॉज़ यू आर नॉट फन। आई एम, आई जस्ट डिस्कवर्ड इट राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग। We should do this more often. Yeah, last ऐसे शायद अपने college के farewell में बंद हुई थी। क्या मस्त था यार वो, नाच नाच के। But Pink's की जो cocktail है ना वो भी, I think that's the best. शायद ना तो हम जिसके साथ collaboration करते हैं उसके लिए भी नहीं बोलते। No. I think they always, मतलब I don't know. I really think Pink's Cafe Orient in Lodhi Road, है ना? हमें जब भी इफ वी वांट टू हैव अ गुड टाइम वी ऑलवेज कम टू दिस प्लेस। दे मेक द बेस्ट कॉकटेल्स एंड वी शुड डू दिस मोर ऑफन। मुझे तो एक में ही फट से वो हो गया यार। आई वाज लाइक कहां जा रहे हैं? पंडारा रोड। जाना नहीं जाना, पंडारा रोड टू हैव अ वेरी गुड कुल्फी फलूदा। देखो भाई सनरूफ अभी नहीं खुलेगा तो कब खुलेगा? देखो सनरूफ बंद करके बैठा है भैया, लगवा दो कहीं। टेंशन में आ रहा है गुबी यार। सनरूफ अच्छी है, रुक जाओ। अरे भैया जगह है क्या इधर यार? गुबी यार क्या इतना इतना मस्त मॉल का तूने ऐसा वोट किया ना पार्किंग के चक्कर में। अब हम जा रहे हैं खाने कुल्फी एंड फलूदा। गौरव बोल रहा पंडारा रोड को कोई जरूरत नहीं आपके प्रमोशन। भाई जगह है क्या आगे? मैंने कहा मैं फिर भी करूंगी प्रमोशन। गाइस गौरव इरिटेट हो रहा है। इरिटेट देखा मुझे बोलता है शायद ना। क्या गाड़ी यहाँ डाल चले गए वापस? अरे कहाँ चले, मुझे कुल्फी और फलूदा खाना है। ज्ञानी से खा लो ना उधर। नहीं हम इतने दूर आए हैं पंडारा रोड से खाएंगे ना वो भी। क्या बात कर रहा है यार तू, ज्ञानी क्या है यार? वो आइसक्रीम में फलूदा डाल के दे देता, वो कोई कुल्फी फलूदा होती है क्या यार? एक तो तूने गलत साइड लिया, तूने रॉन्ग डायरेक्शन में लिया। मैंने रॉन्ग नहीं लिया, जहाँ गूगल मैप लेके जाएगा वहीं लेके जाऊंगा ना। तो अब सही उसको बोल गूगल को, हे सिरी ये कह रहा है यहाँ पार्किंग लगाओ और यहाँ से पैदल जाओ। जाओगी पैदल? चली जाऊंगी, उसमें क्या है, अच्छी हवा खाते खाते जाऊंगी। एक सब जा रहे हैं यार, देखो फिरंगी लोग भी जाए। सॉरी फॉरेनर्स आर आल्सो गोइंग टू हैव कॉफी एंड फलूदा। मैं बना रही क्योंकि मेरा मन कर रहा है आज बनाने का, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आज व्लॉग बनाना आज, क्योंकि मुझे मैं काफी टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कॉलेज में ऐसा वाला हाई तो मुझे नहीं है, क्योंकि ये हमेशा बंद होके रहता था ना, तो मुझे लगता था कि मुझे सेंसेस में रहना है। आज ये सोबर है तो मुझे लग रहा है आई कैन जस्ट से गुड इवनिंग। ये देखो गोल गोल घुमा ही रहा है। फ्लैश, हमने कुल्फी और फलूदा नहीं खाया क्योंकि गौरव कुडंट फिगर आउट द पार्किंग। वाओ, वी केम टू खान मागर फॉर हैविंग फन। गौरव को लगा मैं ड्रंक हूं एंड आई कॉट हिम रेड हैंडेड। गौरव लड़की तार रहा था
गुपी तुझे लगा मैं ड्रंक हूँ तो कुछ भी करेगा तू? आई कॉट यू ओके ताड़ी नहीं अपने अभी सोच रही। अच्छा वो ब्लैक कलर के उसमें बूट्स में पहना, बूट्स क्यों पहना उसे यार इतनी गर्मी में? एक तो वही मैं देख रहा था कि उसने बूट्स क्यों पहने इतनी गर्मी में। तो तू क्यों देख रहा था? मुझे देखने दे। Guys, welcome to the same vlog. मैं सिर्फ एक चीज चेक कर रहा हूँ जो कि घर बनाते टाइम इंसान को हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। सर लोग इम्पोर्टेंट चीज कभी चेक नहीं करते, पर मैंने कहा जरा चेक कर लिया जाए इसकी संडास की हाइट। क्या है ना भाई, अगर ये हाइट गलत लग जाए ना तो आपको जिंदगी भर एक डिस्कम्फर्ट में आना पड़ता। हल्का सा ऊपर हो गया ना, और मतलब एक वो हाइट होती है, एक तो नीचे तो कई बार बहुत नीचे होता है जो कि यूजली नहीं होता, और एक अगर हल्का सा ऊपर हो जाना बड़ी दिक्कत होती है। जैसे हमारे इस वाले करंट वाले में थोड़ा ऊपर है, पर ये वाला एकदम सही है। जैसे एकदम एक ना टांग में फोल्डेबल आना चाहिए। जैसे मैं बताऊं बेस्ट कोमोड कहाँ लगे हैं, मुंबई एयरपोर्ट वाले, शायद टोटो या टेटे कुछ तो नाम है उसका कंपनी का, वो बेस्ट है। पता है बेस्ट, मैं मुंबई एयरपोर्ट जाता हूँ इंटरनेशनल दो से ही नहीं है दोनों, मैं मतलब टर्मिनल टू जब भी जाता हूँ पक्का वहाँ प्रॉपर एक तसल्ली से, क्योंकि एकदम कम्फर्टेबल हाइट है भाई मेरे लिए। स्पेस सही है नहाने के, देखना नहाने का सही है ना। देखो यहाँ पे बैरियर आ जाएगा और ये वरना लकड़ी का नहीं है, ये खराब हो जाए तो यहाँ बैरियर लग के कितने कर लोगे? हाथ नहीं लगेगा इधर उधर, हाथ इतने कितने लग जाएंगे देखो। आई नो दो दिन से व्लॉग नहीं आया, तीन दिन से भाई ट्रैवल एवल, और एक्चुअली दो दिन से इसलिए भी नहीं आया व्लॉग क्योंकि तबीयत बहुत खराब रखी थी यार, दवाइयाँ चल रही थी और आधे टाइम में मैं सोता रहता था और मेरे दांत में इतना भयंकर दर्द था ना कोई हद से आप नहीं होता। दो दिन से मैंने उतार रखे थे अपने अलाइनर्स, तो आज वापस डाले हैं तो इसलिए थोड़ा तो तुतला रहे हैं क्योंकि हल्का खुल जाता है, और फिर मैंने सेम ट्रे नंबर से ही वापस डाले उसे, और होता है एक मतलब अभी लग रहा है नया नया एकदम जकड़ा हुआ है। मैं बता रहा था आपको कि मेरे होटल के सामने आज क्या मस्त एक व्यू है, बहुत रेयरली ऐसा व्यू मिलता है क्योंकि किसी भी सिटी में जाओ यूजुअली अभी लास्ट अच्छा रांची में बड़ा सही व्यू मिला था, आज मिला है जयपुर में, मैं रुको रेडिसन में, रेडिसन टू एयरपोर्ट के पास वाला आई थिंक 5 मिनट एयरपोर्ट यहाँ से, और मेरे सामने जो एग्जैक्टली है दैट इज एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो दिस इज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन चिकपी, और यह है पल्सेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कभी सोचा था आपने जो भटूरों के साथ दबा दबा के दो दो प्लेट छोले खा जाते हैं मंगा मंगा के, उसके ऊपर इतनी रिसर्च चल रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर इस तरीके की कोई रिसर्च हो रही है यहाँ पे कि कौन से टाइप के छोले भटूरों के साथ बेस्ट लगेंगे। अरे यार बहुत अच्छा व्यू मिला आज, एनीवेज ये तो टाइम पास कर रहा था मैं आप लोगों के साथ, ये इट्स अ गुड व्यू, पूरा ओपन, बड़े दिनों बाद ऐसा ओपन व्यू मिला होटल में। इट्स अ गुड वेदर इन जनरल, आज दिल्ली से मुंबई जयपुर की फ्लाइट लेके आया था, 35 मिनट की फ्लाइट है और एकदम बढ़िया माहौल। मेरा पता बड़ा मन करता था बचपन में ना इस तरीके की किसी जगह पे नौकरी करने का, पता नहीं क्यों मैं जब भी ऐसे एडमिन स्टाफ को अपने मेरा कॉलेज भी ऐसे ही था ना थोड़ा, तो जैसे मैं एडमिन स्टाफ को देखता था ना मुझे लगता था इनकी जिंदगी में आराम है यहाँ पे। मेरे सोचने तो पहले क्या बोलूँ भाई, आज जयपुर में परफॉर्म कर रहा है और मैं बता रहा हूँ मतलब वन ऑफ द बेस्ट शोज विद ऑल दीस पीपल, मतलब भाई मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ आज मैं किसी शो में नहीं, मतलब हर शो में कैसे बताऊँ मेरे सारे से, पर आज आप लोग पता नहीं दोनों शो में एक अलग लेवल एनर्जी, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम, अरे भाई बटन होगा सही पेमेंट बन गई आज। सो वी परफॉर्म्ड इन इंदौर टुडे and it is first show, there is second show also after this, hopefully I'll be going back from Indore jo ki comedians ko thodi kai baar ek aadh baar dikkat ho jati, zyada to nahi ek baar mahina bhar zyada nahi mahina 37 din mein chhod dete hain aisi baat nahi, so but we had a great time in first show in Indore absolutely। dosto ek mishra ji aaye hamare saath nahi baithe mishra ji, अगर कोई टिंडर बम्बल पे है इनको बिल्कुल अप्रोच नहीं करेगा, इनकी गर्लफ्रेंड ट्राईपुर में रहती है ठीक है, और ये एक कपल है नेकी और पूछ पूछ, अरे नहीं नेकी और कहाँ गया, हाँ नेकी और अर्पित, दोस्तों इन दोनों को कपल है पर दोनों को सोलो ट्रिप पे जाना, हम नहीं जानना चाहते क्यों। भाई आओगे ब्लॉग में, आओगे आ जाओ ना मजा आएगा, झूठ बोल के आए हो, एक बार आओगे छोटा सा, एक बार आ जाओ कोई बात नहीं भाई,
बंदा तो तगड़ा है, तगड़ा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये अपने भाई है, आज सेट तो पहन के आए हैं शो में, तो पहले पहली बार कोई शो में स्लीवलेस भाई, अगर हाथ पकड़ के नारे लगाएंगे वो भाई वो बात नहीं बता देना, वो वाले हाँ वो वाले नहीं, वो नहीं बताएंगे दोस्तों। अभी हमने जैसे पहले शो की आपको दिखाया ब्लॉग, अभी दूसरा शो भी करा इंदौर में, शुरू के कुछ टाइम आई डोंट नो आपको स्ट्रगल हुआ कि नहीं, मुझे थोड़ा स्ट्रगल लगा मेरी तरफ से, पर ठीक है मैं एड्रेस कर लेता हूँ, नहीं आई डोंट सांत्वना देने की जरूरत नहीं। एक बैट्समैन को पता था जब बहुत मेडल नहीं हो रही थी, पता ठीक, पर भाई आधे घंटे बाद जो नंगा नाच मचाया ना इन लोगों ने, जबरदस्त मैम मैं दोबारा जरा बोलना, मैं जरा अपनी बीवी को दिखाऊंगा एक बार अच्छे से बोलना चिल्ला के, एक सेकंड कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में, रुको बिल्कुल भी भीड़ नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ मैम, हाँ जी बताओ। श्रेया मैं कुछ नहीं करता देखो बट आई होप, और दोस्तों एक बंदे से मिला तो ये देखो रजत भाई, ये रजत कहाँ है, ये रहे रजत भाई, ये रहे ना ये वाले रजत भाई, मजे मारे आपने, आपको गोडाउन पता है ना क्या होता है, इनिशियल वाला पार्ट तो मैं एडिट करते हुए मेरे को खुद इतनी ज्यादा हंसी आई, बाकी तो उसके बाद ट्रैवल ही चल रहा था सिटीज का, बट यस इट्स गोइंग टू बी रेगुलर अगेन भाई। वो क्या होता है 7-8 दिन लगातार बनाओ फिर थोड़ा जोन आउट हो जाओ, फिर 7 दिन रेगुलर बनाओ फिर जोन आउट हो जाओ, आई थिंक दैट इज अ बेटर फार्मूला, इट्स नॉट इवन फार्मूला, इट्स लाइक थोड़ा आपको ब्रेक मिल जाता है हमें ब्रेक मिल जाता है यार, वरना भाई रोज मैं अपनी शक्ल लेकर तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, तुम एक टाइम बात करोगे भग जाए से, तो इसीलिए नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, एंड आफ्टर दैट अपने इंपॉर्टेंट व्लॉग्स का वक्त भी आ चुका है दोस्तों। अगर आपको याद होगा पिछले 8 व्लॉग देख लो, एक में भी कोई इंटीग्रेशन नहीं है, अब वक्त आ रहा है धीरे धीरे।